आप सभी मित्रों को भारत भूषण अवार्ड का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की महादशा की। देवगुरु बृहस्पति जिन्हें नौ ग्रहों में सबसे अधिक सम्मानित स्थान मिला है गुरु होने का। जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा आती है और उसके बाद जो जो ग्रह उनकी अंतरदशा में आते हैं, कौन सा ग्रह शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की जब महादशा आएगी तो सबसे पहले अंतरदशा भी उन्हीं की आएगी। तो बृहस्पति अपनी अंतरदशा में जब अपनी महादशा में जब सबसे पहले अंतरदशेष होकर आएंगे तो शुभ फल करेंगे या अशुभ फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में वो शुभ अवस्था में है या बुध अशुभ अवस्था में है। यदि शुभ अवस्था में है तो शुभ फलदायी रहेंगे, यदि अशुभ अवस्था में है तो अपनी अंतरदशा में अशुभ फल ही देंगे। अब जब गुरु की अंतरदशा बीत जाएगी तो दूसरे ग्रहों की अंतरदशा आएगी। आइए अब उस पर विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की महादशा हो और सूर्य अंतरदशा में आए तो बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा माने गए हैं और बृहस्पति को गुरु माना गया है। तो गुरु की महादशा में जब राजा आते हैं, सूर्य देव आते हैं, तो हमेशा बहुत ही शुभ फल करते हैं। इसके बाद गुरु की ही महादशा में यदि चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा बहुत ही शुभ फल करते हैं। मंत्री चंद्रमा और गुरु बृहस्पति का बड़ा ही अच्छा तालमेल माना गया है। तो बृहस्पति की महादशा में सूर्य के बाद चंद्रमा भी बहुत ही शुभ फल करने वाले होते हैं। गुरु की महादशा में यदि मंगल आए तो वो भी शुभ फल करने वाले होते हैं, क्योंकि वो सेनापति हैं, देवगुरु का सम्मान वो भी करते हैं। तो गुरु की महादशा में मंगल भी शुभ लाभ ही करेंगे। इन सभी ग्रहों में कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में शुभ हो या अशुभ हो, नीच का हो उच्च का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो ग्रह अंतरदशा में आए हैं वो महादशा वाले ग्रह के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो गुरु की महादशा में सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ही शुभ फल करेंगे। इसके बाद आते हैं बुध। बुध हमेशा अशुभ फल देते हैं गुरु की महादशा में, क्योंकि बुध और गुरु की शत्रुता जग जाहिर है। मित्रों, बुध के बाद एक विशेष ग्रह की विशेष चर्चा मैं करूंगा, वो है शुक्र। शुक्र और गुरु दोनों शत्रु हैं, एक असुर गुरु है एक देव गुरु है। पर विशेष बात है इनकी दशांतरदशा में कि गुरु की महादशा में शुक्र आए तो शत्रु होते हुए बहुत शुभ फल करते हैं, और यदि शुक्र की महादशा और गुरु अंतरदशा में आ जाए तो शत्रु होते हुए बहुत शुभ करते हैं। ये एक विपरीत नियम है, एक अपवाद है। इसका कारण है, वो कारण है कि दोनों ही बड़े सम्मानित पदों पर है, एक देव गुरु है एक असुर गुरु है, दोनों ही उच्च पदों पर शोभायमान हैं, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। इसीलिए परस्पर शत्रु होते हुए भी जब गुरु की महादशा हो और शुक्र अंतरदशा में आए तो विशेष तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार शुक्र की महादशा हो और गुरु अंतरदशा में आए तो विशेष तौर पर लाभ पहुंचाते हैं। तो गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शुभ मानी जाएगी। इसके बाद गुरु की महादशा में यदि शनि आए तो कैसा फल देंगे। शनि और गुरु ना मित्र है ना शत्रु, शनि गुरु को अपने सम मानते हैं, बराबर मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में शनि कुंडली में शुभ या अशुभ जैसे भी होंगे वैसा ही फल गुरु की महादशा में देंगे, ना अच्छा देंगे ना खराब देंगे। यदि कुंडली में शुभ हैं तो शुभ, और यदि अशुभ हैं तो अशुभ फल ही गुरु की महादशा में देंगे। राहु गुरु की महादशा में हमेशा अच्छा फल ही देंगे, खराब फल कभी नहीं देते। वो है तो शनि के जैसे स्वभाव वाले, लेकिन शनि जैसे कठोर निर्णय सिद्धांतवादी नहीं है। शनि उनको सम्मानते हैं तो राहु उनका सम्मान करते हैं। तो गुरु की महादशा में राहु शुभ फल का दायी माने जाएंगे। इसी प्रकार केतु, गुरु की महादशा हो और केतु अंतरदशा में आए तो यश, कीर्ति, पताका, ज्ञान, मान सम्मान की वृद्धि करने वाले होते हैं, शुभ होते हैं।
तो इस प्रकार हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति की जब महादशा हो तो केवल और केवल एक ही ग्रह बुध ऐसा है जो अशुभ फल करता है, बाकी सभी ग्रह शुभ फल करते हैं, विशेष तौर पर सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु, मंगल, ये तो बहुत ही शुभ फलकारी रहते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।